एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आपको सारे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप पिछले व्लॉग में कहा था कि कल से जो है मेरी बहन की शादी है, तो आज वो फाइनली वो दिन आ ही गया कि उसकी शादी स्टार्ट हो गई आज से, और मौसम ने भी साथ नहीं दिया है। आज जो है बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि शादी जो है घर पर नहीं है, शादी है रामपुर में। तो हम सभी लोग जो है रामपुर आए। मैं सुबह आ गया था 12 कुछ बजे में, दिन में पहुँच गया था, और अभी टाइम जो है 2 बजे का हो गया है। इस टाइम पर जो है अभी मेहंदी का है ना फंक्शन, अभी जो है मेहंदी का फंक्शन है, उसके बाद फिर बाद में जो हल्दी वगैरह होती है, फिर शाम को मामे आएंगे, फिर कल सुबह बारात आएगी, पी 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 पी, फिर बैंड बाजे के साथ इसकी विदाई होगी। अभी जो मैं इसके रूम में बैठा हूँ, हम दो जो यहाँ के पैमाने बैठे हैं सबसे पहले, तो अभी ये तैयार हो रही है, तो फिर मैं बैठा हूँ यहाँ के पैमाने साथ। सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ले। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस ब्लॉग को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके कमेंट सेक्शन भर देना कॉन्ग्रेचुलेशन से ही, इसको ढेर सारी विशेज दीजिएगा। इसकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो ढेर सारी विशेष दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आपको मिलवाता हूँ दुल्हन से कि दुल्हन कौन है। देखो अब ये तैयार ही नहीं, ये भी तैयार हो रही है। चलो मिलवाता हूँ थोड़ी देर में, पर इसको पहले ये तैयार होगी, उसके बाद फिर आपको मिलवाता हूँ इसे। जो तैयार हो गई है, हाय तो बोलते हैं यहाँ, हेलो। तो ये तैयार हो गई। अच्छा रुक जाए, साइड वगैरह आ गया, यहाँ पर थोड़ा फोटोशूट होगा इसका। दीदी हाय बोल दो, दीजिए थोड़ी एक्टिंग वगैरह करनी है यहाँ पे, दीदी की एक्टिंग देखते हैं। लाइट नहीं आ रही है, वही ऐसे रखो। अच्छा ब्लॉग बना रहे और ब्लॉग मैं एक्टिंग तो अच्छे कर रहे दीदी। थोड़ी स्माइल कर ले प्रीति, दांत दिखा दे उन्हें। दुल्हन को तैयार किया जा रहा है इस टाइम पे। हाय बोल दे यहाँ पे, आराम से बोल। और इसको ना भूख लग रही है, बट इस टाइम हमें मेहंदी लगाने जाना है, तो अब खाना खाना छोड़ दे। कैसा तुझे फील हो रहा है पहले? फील कैसा हो रहा है? पता नहीं। कैसी फीलिंग है? घबराहट वाली। घबराहट वाली। चलो सब लोग आगे चलते हैं, अभी फोटो शूट हो रहा है इसका। मैंने उसको गॉगल दे दिया कि गॉगल लगा ले, तो सब मैच आ रहा है। और शिल्पा भी आ गई है अब तो, उस यहाँ पे खड़ी है कि बस अब इसका खत्म हो, फिर हम चले जाए, फिर मेहंदी वगैरह लगाई। मेहंदी इसकी लग गई है पिछले कल, बट अभी फोटोज वगैरह खिंचवाने हैं, तो बस थोड़ा बहुत करना है। दिखा तो पिछली लगी है तेरा प्यार नहीं करता है। तो बस अभी यहाँ पर फोटो शूट करें। मेहंदी होने वाली है, तो थोड़े बहुत आगे इस टाइम पे घर के जितने भी हम मेम्बर्स हैं, दादा दा चाची वगैरह। हाय बोलो मम्मी, हाय बोलो। क्या बोल रहे? नहीं आप ही दिख रहे हो दादी पीछे, सब दिख रहे हैं, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, दादी, चाची, चाची, दादी, उधर भी दादी है, उधर दादा है, उधर छोटे पापा है, सारे उधर लोग बैठे हैं। आगे को चलो, तो बस सब फोटो शूट ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। फाइनली मेहंदी स्टार्ट हो गई है, कब से परे वेट कर रहे थे। दिखाता हूँ सारे फैमिली मेम्बर्स, सबसे पहले स्टार्टिंग दादी से किया था। दादी सबसे पहले मेहंदी लगाने गए हैं प्रीति को, उसके बाद फिर बाकी लोग जाएंगे। बड़ों से स्टार्ट किया है। बाय प्रीति के बड़े पापा, बड़ी मम्मी। तू फोटोज ले रही है ना शिल्पा, मेरे को सेंड करियो ना फिर। ये फोटोग्राफर है और मैं वीडियोग्राफर हूँ, तो ये फोटोज देखी फिर वो जो थंबनेल दे दी है ना। प्रीति के मम्मी पापा, और
चाचू चाची अब गए जी प्रीति के भाई बहन निखिल और शिल्पा, इसके बाद फिर मैं भी जाऊंगा। है ना सेम सेम पहने दादा और दादी, जो रिश्ते मेरे हैं वही रिश्ते प्रीति के भी है। तो जो मैं बोल रहा हूँ दादा है, तो मतलब इधर देख रही है, मतलब इसको ना, ये तो पागल हो गया मुझे लगता है। प्रीति शादी में पागल हो गई है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इसका पता नहीं चल रहा है। बड़े छोटे पापा छोटी मम्मी चाचू चाची योगेन आराध्या, आज आपको सारे रिश्तेदारों से मिलाता हूँ जो मेरे घर के फैमिली वो टोच मेंबर्स हैं, सारे भी वही है यहाँ पर, सबसे मिलवाते हैं आज आपको। आप ही मेरे परिवार को जान जाओगे, मेरे परिवार में कितने सारे लोग हैं। तो ये चाची है, चाचू है, ये आराधना है, ये है जी बड़ी मम्मी बड़े पापा, चाची और दादी। ये है दादा, ये भी है दादा, ये है प्रीति की फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे जैसे शादी घर पर नहीं है तो सारे फैमिली मेम्बर्स नहीं आए हैं, कम ही आए हैं, तभी आपको इतने सारे दिख गए होंगे मेरे सारे घर वाले मेम्बर्स। बट अगर घर पे शादी होती तो फिर इतने सारे होते कि शायद मेरा एक व्लॉग कम पड़ जाता, मतलब उसके लिए काफ़ी बड़ा व्लॉग बन जाता मेरा। तो जितने भी थे यहाँ पे, आप सबको अपनी फैमिली मेंबर्स में आज मिला दिया है। तो ये था मेरा कटोच परिवार जितने आपको दिखे। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, पीछे को भी थोड़े बहुत यहाँ बैठे हैं सारे, और पीछे को बैठे हैं थोड़े उस तरफ कहीं और रूम से जाके बैठे हैं, और बाहर जो है बारिश हो रही है। तो बाकी अभी कुछ अभी आए, मम्मी भी आए नहीं है, और जैसे पापा भी नहीं भी आए हैं, और बाकी चाचू वगैरह भी आए नहीं है, दादी वगैरह भी नहीं आए हैं। वीडियो बना रहा हूँ मैं, हाँ ये बुआ है। दीदी और जीजू अभी जो है मेहंदी हो गई है, अब इसके बाद जो अभी क्या है, अब तेल पड़ेगा दुल्हन को। तेल कैसे पड़ता है जिसको भी नहीं पता है, तो अभी दिखाते हैं आपको कि तेल किस तरह से पड़ता है हमारे। उसके बाद फिर हल्दी लगेगी, तो पहले तेल पड़ेगा, तेल शांति कहते हैं उसे, तो तेल शांति भी है। तो एक ही ब्लॉग में कवर कर दूंगा मैं तेल शांति और मेहंदी। तो चलो चलते हैं नीचे और दिखाते हैं फिर आपको तेल शांति। पूजा वगैरह होगी, जो भी होगा सारा सामान होगा। चल बैठ जा मैम। वो तो है मैम। तो कैसी रही आपकी मेहंदी? अच्छी, मेहंदी कल लग चुकी। आपको रोना आया? क्या आपको रोना आया? क्यों रोना नहीं आया आपको? मतलब मेहंदी में हमें हमारी तरफ ही देख रही थी ये। और यहाँ पे पूजा वगैरह होगी, जहाँ पे देखो पूरा देखो लाने गाएंगे अब। चल बैठ जा तू। यहाँ पे जो सभी लोग जो है लामण गा रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग होते हैं शादी में गाए जाते हैं, वो देखो ये गा रहे हैं। समझ तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, बट फिर भी जिसको समझ आएंगे बता देना। अच्छा रहा है। यहाँ पे चाची आए, दादी आए, वो देखो मेरी बहन आई, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड, ज़्यादा बहन कम है, मतलब इतने टाइम बाद हम मिलने वाले हैं। देखो इसका नाम है शैलजा, मेरी कज़न सिस्टर है, हम दोनों सेम एज के हैं, साथ में बेस्ट फ्रेंड भी है, साथ ही स्कूल में पढ़े थे। हेलो मैम।
अक्षित नहीं आया? अच्छा ओके ओके ओके। तो बस यहाँ पे भी यही चला है और कुछ नहीं है। तेल शांति थोड़ी देर बाद होगी, पहले भी जो है दुल्हन की मम्मी पापा की वगैरह पूजा कर रही है, उसके बाद फिर इसका रोल है। देखो कितनी खुश पड़ी है, कितनी खुश पड़ी है ये, देखो ज़रा इसको। तो बस अभी यहाँ पे ये सभी है, जैसे पूजा वगैरह हो रही है। तो इधर देखो मेहंदी भी लग रही है, शिल्पा बेचारी को जब्त कर लिया चाची ने कि मेहंदी लगवा ली मेरे हाथों में। तो यहाँ पे मेहंदी लग रही है इस तरह में। चाची के कीड़े मकौड़े पड़ रहे हैं, चाची तो कीड़े मकौड़े डाल रहे हैं। चाची दिखाओ तो डिजाइन दिखाओ अपना स्माइली। तेल शांति और हल्दी जो है थोड़ी देर बाद होगी, अभी नहीं होगी। तो सोचा चलो उस ब्लॉग के नहीं पे कर लेते हैं, उसको आपको अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा, थोड़े थोड़े पार्ट्स दिखाऊंगा। ये था आपका मेहंदी वाला ब्लॉग था ये मेरा। इसके बाद अगला आएगा हल्दी आएगा, तेल शांति आएगा और मामे वाला आएगा, मामा भी आने हैं। तो उसका ब्लॉग है क्या बोलिए डिस्टर्बेंस। तो इस ब्लॉग को नहीं पे कर लेते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग को, तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और ब्लॉग को जो है शेयर कीजिएगा। बाय बाय।